जय हिंद भाइयों, वेलकम हो गया आप सभी लोगों का दिलसार ड्रीम फैंटेसी यूट्यूब चैनल के एक नए मैच के प्रेडिक्शन वीडियो में। और आज का जो मैच हम कवर करने वाले इस वीडियो में, गुजरात टाइटंस वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच में टाटा आईपीएल का मैच नंबर 21, जो कि 7 अप्रैल इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग 7:23। दोस्तों ये मैच जो है शाम टाइम एकाना क्रिकेट स्टेडियम में लखनऊ के पिच पर खेला जाने वाला है। तो दोस्तों क्या इस मैच में फिर से क्विंटन डिकॉक सीवीसी के लिए एक बेस्ट ऑप्शन होगा? क्या दोस्तों मयंक यादव, जो कि अच्छी फॉर्म में है, 3-3 विकेट निकाल रहा है, क्या दोस्तों उसको सीवीसी करना है, या दोस्तों टीम में रखना है कि नहीं रखना? निकोलस पूरन को सीवीसी करना है कि नहीं करना? स्केल राहुल और शुभमन गिल, जैसे कि आपने देखा है शुभमन गिल अच्छी पारी खेल करके आ रहे हैं, तो क्या शुभमन गिल को कैप्टन करना ठीक होगा या दोस्तों क्विंटन डिकॉक? और कौन सा बड़ा बैट्समैन दोस्तों यहाँ पे फ्लॉप हो सकता है? एंड गुजरात टाइटंस की तरफ से दोस्तों इस मैच में हमें अपनी फैंटेसी टीम में कितने खिलाड़ी लेकर के चलने? लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से दोस्तों जो वो इंपॉर्टेंट खिलाड़ी होंगे कौन से होंगे जो कि हमारे फैंटेसी टीम के लिए बेस्ट रहने वाले? और बेस्ट कैप्टन वाइस कैप्टन इस मैच के लिए कौन से खिलाड़ी हो सकते हैं, ट्रम्प कार्ड खिलाड़ी, वो सारी चीजें दोस्तों आपको बताऊंगा, जो कि आपके लिए काफी ज्यादा मददगार होगी एक ग्रांड लीग, स्मॉल लीग और 3 से 4 मेंबर टीम के लिए। एंड फिलहाल दोस्तों यहां पे हर एक खिलाड़ी के बारे में बात करेंगे, फर्स्ट इनिंग सेकंड इनिंग परफॉर्मेंस, कैसा खिलाड़ी और फर्स्ट इनिंग में बढ़िया खेलते हैं या सेकंड इनिंग में दोस्तों। एंड फिलहाल दोस्तों इस वीडियो को मिस मत करना, क्योंकि इस वीडियो में लेकर के आया हूं एक ऐसी फैंटेसी ऐप जहां पे फर्स्ट प्राइज ही जो शुरुआत होती है उसके गैस वो 1 करोड़ की है। कैसे आपको 1 करोड़ का कैश प्राइज मिलेगा, वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा, आगे आपको बताने वाला हूं, जिससे कि दोस्तों आप जो शुरुआती 1 करोड़ कैसे जीत सकते हैं वो दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगा। हालांकि वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो मेरे भाई लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल को ऑल पे जरूर प्रेस कर लीजिए लगातार अपडेट के लिए। गाइस टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लीजिए गाइस, क्योंकि वहां पे क्या होता है गाइस, फाइनल टीम फ्री में आपको मिलती है, फाइनल टीम फ्री में मिलती है गाइस। जैसे कि मान लीजिए मैच की टाइमिंग है 7:30 स्टार्टिंग की, तो दोस्तों आपको राइट टाइम 7 बजे जब लाइनअप अनाउंसमेंट होगा तो गाइस यहां पे आपको लाइनअप अनाउंसमेंट के बाद टीम का अपडेट मिलेगा, कौन सी टीम पहले बैटिंग करने वाली है, क्या टीम का कॉम्बिनेशन होगा, लास्ट टाइम के पिच रिपोर्ट क्या होती है उसके अकॉर्डिंग। ज्वाइन कैसे करना, पहला कमेंट बॉक्स या दोस्तों आप यहां पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर सकते हैं, मोर का ऑप्शन पे क्लिक करिए जिस वीडियो को देख रहे हैं, एंड 2 लिंक मिलेगा गाइस, किसी भी लिंक पर आप क्लिक करके फाइनली यहां पे आ जाइए गाइस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप भाई लॉस करवा चुके बहुत सारा अपना, बहुत सारे लोगों को फॉलो करके, तो मैं यही कहूंगा गाइस कि यहां पे एक बार आप लोग देखिएगा 110% आपकी जीत जो है दोस्तों कंफर्म रहने वाली है। बात करते गाइस यहां पे एकाना क्रिकेट स्टेडियम के बारे में, जो कि दोस्तों अगर हम बात करें यहां पे टोटल आईपीएल के जो मैचेस खेले गए, 7 मैच खेले गए, जिसमें जो टीम पहले बैटिंग करी है उसने 5 विन करे और चेस करने वाली टीम ने दोस्तों 2 ही मैच विन करे। एवरेज की बात करते गाइस यहां पे जो आप मान सकते हैं यहां पे 150 का देखिए 3 बार बना है, 150 से 169 के बीच में 1 बार बना है, एंड यहाँ पे 170 से 189 के बीच में दोस्तों 1 बार स्कोर बना है। तो फिलहाल दोस्तों यहीं 190 प्लस का भी स्कोर जो है 1 बार बन चुका है। अगर दोस्तों हम बात करें यहाँ पे कितना स्कोर आप मांग जा सकते हैं कि अगर यहाँ पे गुजरात टाइटंस पहले बैटिंग करती है, लखनऊ सुपर जायंट्स पहले बैटिंग करती है, तो क्या स्कोर बन सकता है? देखिए गाइस यहाँ पे जो पिच की अगर हम कंडीशन देखें तो 160, मतलब कि पिच कहीं ना कहीं बैलेंसड होती है, यहाँ पे बैट्समैन और दोस्तों बॉलर्स दोनों ही गेम में रहते हैं, तो उस कंडीशन से अगर हम देखेंगे दोनों ही टीमें ठीक ठाक हैं, बैटिंग लाइनअप दोनों टीम के पास ठीक ठाक है। हालांकि लखनऊ सुपर जायंट्स का होम ग्राउंड है तो उस टीम के पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा एडवांटेज होगा, मतलब कि उस टीम के पास अनुभव पिच का ज्यादा होगा गाइस। और अगर हम बात करें यहाँ पे हाई स्कोर 199 का बना दोस्तों, लोवेस्ट यहाँ पे 108 का बना है, तो फिर भी दोस्तों कहीं ना कहीं आप 170-180 का स्कोर मान के चलिए यहाँ पे बनने वाला है। ओके गाइस, एंड यहाँ पे कुछ लोवेस्ट सिलेक्शन वाले खिलाड़ी भी होंगे जो कि इस पिच को देखते हुए जहां पे बढ़िया परफॉर्मेंस करके जाएंगे गाइस। तो फिलहाल बात करें यहाँ पे जो लास्ट मैचेस खेले गए, ठीक है, जो लास्ट मैच यहाँ पे इस वेन्यू पर खेले गए, किस हिसाब से यहाँ पे पेसर या स्पिनर को विकेट मिली है उसके ऊपर थोड़ी सी नजर डालते हैं। लास्ट मैच यहाँ पे दोस्तों खेला गया लखनऊ और यहाँ पे पंजाब के बीच में, लखनऊ यहाँ पे फर्स्ट बैट करते हुए 199 का स्कोर कर पाई थी, जिसमें कि दोस्तों पेसर को 11 विकेट थी, एंड अगर हम बात करें स्पिनर की तो यहाँ पे 1 विकेट है। पंजाब यहाँ पे चेस करते हुए ओनली 178 ही रन दोस्तों बना पाई थी। एंड एक मैच और यहाँ पे देख लीजिए, लखनऊ और यहाँ पे एमआई का, जिसमें कि लखनऊ फर्स्ट बैट करते हुए 177 का स्कोर कर पाई थी और एमआई 172 पहुंच पाई थी। हालांकि दोस्तों लखनऊ का होम ग्राउंड है और लखनऊ दोस्तों कहीं ना कहीं यहाँ पे अच्छा करती है, वो भी फर्स्ट बैट करते हुए। हालांकि चेस करते हुए अगर आप देखेंगे तो गाइस यहाँ पे चेस करते हुए ये ओल्ड मैचेस हैं, जिसमें कि आरसीबी ने 126 का स्कोर किया था और लखनऊ 108 पे ऑल आउट हो गई थी गाइस, ठीक है, और गुजरात यहाँ पे 135 कर रही, लखनऊ 128 बना पा रही गाइस। तो कहीं ना कहीं चेस करते हुए जो है फिलहाल मतलब कि लखनऊ टीम वो मैच को यहाँ पे विन करने में उसके पसीने छूट जाते हैं कह सकते हैं आप, और मैच को विनिंग की तरफ को ले करके नहीं जा पाती गाइस। फर्स्ट अगर लखनऊ बैट करती है तो कहीं ना कहीं आप बैट्समैन के ऊपर भी भरोसा कर सकते हैं लखनऊ टीम के, अगर चेस करते गए तो फिर मैं यही मान के चलूंगा कि केएल राहुल एक ऐसा खिलाड़ी है, निकोलस पूरन ही ऐसा बैट्समैन है जो कि चेस करने में कुछ अच्छा कर जाता है गाइस, ठीक है। बाकी दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और स्पिनर और पेसर दोस्तों दोनों ही गेम में है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मतलब कि आप दोनों को ही बराबर की हेल्प मान के लेकर के चल सकते हैं साथ में दोस्तों। हेड टू हेड अगर हम बात करेंगे, जो कि दोस्तों 4 मैचेस खेले गए टोटल दोनों टीम के बीच में, जिसमें कि लखनऊ ने भाई एक भी मैच
मैच विन नहीं किया, ठीक है। लखनऊ सुपर जायंट्स ने एक भी मैच अभी तक विन नहीं किया। बाकी यहाँ पे गुजरात टाइटंस ने चारों को चारों दोस्तों मैचेस विन करे। और रिसेंट फॉर्म की अगर हम बात करेंगे तो कहीं ना कहीं आपने देखा है कि गुजरात टाइटंस का भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस है, और बाकी लखनऊ की अगर हम बात करेंगे तो लखनऊ भी अच्छे खासे मैचेस विन करी हुई है। तो दोनों ही कांटे की टक्कर कह सकते हैं। बाकी होम ग्राउंड लखनऊ का है तो मुझे यही उम्मीद होगी कहीं ना कहीं लखनऊ इस सीजन पहली जीत दोस्तों जो है दर्ज करेगी गुजरात टाइटंस के गेम्स में इस वेन्यू पर, क्योंकि अभी आपने जो देखा लास्ट मैच पिछले सीजन का दोस्तों उसमें गुजरात टाइटंस ने मैच को विन किया हुआ है। बाकी दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं, बात करते हैं यहाँ पे फिलहाल जो मैंने आपको ऑफर बताया कि हिसाब से आप यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। देखिए गाइस, आपको सबसे पहले माई इलेवन सर्कल एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। फर्स्ट कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, जाइए क्लिक करिए और डाउनलोड कर लीजिए। साइन अप वगैरह दोस्तों करते हैं, फिर उसके बाद दोस्तों अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो फर्स्ट प्राइज ही मिनिमम 1 करोड़ का मिलेगा, बाकी उससे बड़े बड़े प्राइज दोस्तों आपको यहाँ पे मिलते हैं, जैसे थार जैसी चीज़ें दोस्तों, और यहाँ पे गोल्ड वगैरह आपको भी मिल जाते हैं, ठीक है। और साथ साथ अगर हम बात करें यहाँ पे, ठीक है, 20% आपको एक्स्ट्रा कैश भी मिलता है फर्स्ट डिपॉजिट पर। आपको यूज़ करना है मेरा कोड यहाँ पे LIFE20 दोस्तों, ठीक है, माई इलेवन सर्कल पर डाउनलोड करने के बाद। तो फिर आप जब फर्स्ट डिपॉजिट करेंगे तो आपको यहाँ पे 20% एक्स्ट्रा कैश मिलेगा। मतलब कि मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे 1000 अगर आप डिपॉजिट करते हैं, ठीक है, तो आपके जो पैसे होंगे वो हो जाएंगे फिलहाल यहाँ पे 1200 रुपये, ठीक है, 1200 रुपये, मतलब कि सीधे सीधे आपके 200 रुपये एक्स्ट्रा आपको मिलने वाला यहाँ पे। और उसके साथ साथ दोस्तों आपको 1500 का जो बोनस कैश भी मिलेगा, ठीक है, 1500 का बोनस कैश मिलेगा, वो भी आप हर कॉन्टेस्ट पे यूज कर सकते हैं यूजलेस है दोस्तों, ठीक है। तो बढ़िया और ट्रस्टेड एप्लीकेशन आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, फर्स्ट कमेंट बॉक्स और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल रहा है, जाइए क्लिक करिए और दोस्तों डाउनलोड करके साइन अप करिए और डिपॉजिट वगैरह कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा 20% कैश भी मिल रहा है दोस्तों, ठीक है, और बोनस भी आपको मिल रहा है। तो फटाफट आप लोग जाकर के डाउनलोड कर लीजिए और कोड दोस्तों मेरा जो है यूज कर सकते हैं आप लोग। बाकी दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यहाँ पे लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से, जो कि आपको पॉसिबल प्लेइंग 11 मैच के लिए मिलने वाले क्विंटन डिकॉक, केएल राहुल दोस्तों ये ओपनिंग करते हैं। फिर दोस्तों आपको तीसरे नंबर के खिलाड़ी जो हैं देवदत्त पेडकल, फिर मार्कस स्टैनिस, निकोलस पूरन, आयुष भदौनी, कुणाल पंड्या, रवि बिश्नोई, यश ठाकुर, मयंक यादव और नवीन उल हक दोस्तों, ठीक है गाइस। और बाकी यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूट खेलेगा उसको भी मैं आपको आगे बताऊंगा। बाकी दोस्तों यहाँ पे देखिए, मान लीजिए नवीन उल हक 4 ओवर कराते हैं, मयंक यादव दोस्तों 4 ओवर कराते हैं, यश ठाकुर के 4 ओवर, मान लीजिए रवि बिश्नोई 4 ओवर, अब यहाँ पे कुणाल पंड्या हो गए, ठीक है, कुणाल पंड्या के आप मान चलिए 4 ओवर ये कराते हैं। अदरवाइज दोस्तों यहाँ पे आयुष भदौनी ने भी स्टार्टिंग में ओवर कराए थे, जो स्टार्टिंग के मैचेस यहाँ पे इस टीम के थे दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे स्टार्टिंग के बॉलर्स की बात करते हैं, तो कुणाल पंड्या, नवीन उलहक और एम सिद्धार्थ ये बॉलिंग करते हुए नजर आएंगे। एम सिद्धार्थ की दोस्तों आपको एज अ सब्स्टिट्यूट भी खेलते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि पिछला मैच इन्होंने खेला था, ठीक है। बाकी डेप्थ की बात करते हैं तो यहाँ पे डेप्थ में यश ठाकुर, नवीन उलहक, मयंक यादव दोस्तों। एंड आगे बढ़ लेते हैं जी भाई, बात करते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स टीम की तरफ से हमें कितने खिलाड़ी अपने फैंटेसी टीम में रख करके चलने हैं। क्विंटन डिकॉक और केएल राहुल दोस्तों दोनों हाई सिलेक्शन वाले खिलाड़ी, मतलब कि 80% लोग इनको अपनी टीम में तो रख करके चलने ही वाले हैं। क्विंटन डिकॉक भाई क्यों ना रखें, क्योंकि 2 मैचेस काफ़ी अच्छी बैटिंग करके आ रहे हैं, यहाँ पे 54 और 81 गेंद, हालांकि अगेन अगर हम बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 88 रन है 3 मैचेस में, जिसमें कि हाइएस्ट स्कोर है 70 का गाइस। तो कहीं ना कहीं इससे आप अंदाज लगा सकते हैं गाइस कि कहीं ना कहीं ये एक ही मैच में 70 रन की हाइएस्ट पा रही है, बाकी 2 मैच में ये फ्लॉप हुए हैं। ओके गाइस, तो यहां से अगर हम बात करें एक चीज ये समझें तो कहीं ना कहीं शुभमन गिल जो कप्तान है टीम के, वो पूरा फोकस भाई क्विंटन डिकॉक और केएल राहुल इन दोनों बैट्समैन के ऊपर रखने वाले हैं। इनको दोस्तों जल्दी आउट करना चाहेंगे, मोहित शर्मा जैसे बढ़िया बॉलर्स वहां पे मौजूद हैं, तो फिर दोस्तों कहीं ना कहीं पूरा फोकस यही होगा, क्योंकि ये लंबी पारी भी खेल सकते हैं। अब यहां पे बात करें सीबीसी की गाइस, तो वेन्यू पे अगर हम देखेंगे क्विंटन डिकॉक तो 2 मैचेस में 70 रन है और 35 का औसत है गाइस, हाईएस्ट 54 का स्कोर है दोस्तों ये वाला, ठीक है। अब यहां पे टीम सिलेक्शन तो करना ही करना है, हालांकि कैप्टन वाइस कैप्टन दोस्तों मैं यही कहूंगा, जब ये टीम फर्स्ट बैट करती है तभी आप करिएगा, चेस करते हो दोस्तों कहीं ना कहीं मैं क्विंटन डिकॉक का और सीबीसी का कॉम्बिनेशन बिल्कुल नहीं करूंगा, हालांकि ड्रॉप करने का रिस्क वो बहुत ज्यादा रिस्की हो जाएगा, टीम में आप लोग रख लीजिएगा। केएल राहुल की बात करते हैं, यहाँ पे 58 की हाइस पारी, फिर 15 और यहाँ पे दोस्तों 20, अगेन अगर हम बात करेंगे 3 मैच 76 रन और 67 हाइएस्ट स्कोर दोस्तों 25 का औसत है, यहीं से आप अंदाजा लगा लिए दोनों ऐसे खिलाड़ी सिर्फ एक एक इनिंग ही बढ़िया खेली है, बाकी 2 इनिंग में जल्दी जल्दी आउट हुए हैं, ठीक है। गुजरात टाइटंस के केस में वेन्यू पे 6 मैच 200 रन है और 74 हाइएस्ट स्कोर है दोस्तों, 33 का औसत है, बाकी फर्स्ट इनिंग सेकंड इनिंग दोस्तों आप लोग यहाँ पे ट्राई करके देख सकते हैं, ठीक है, जान लीजिएगा और समझ लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं बताऊंगा तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। अगर हम बात करें केएल राहुल,
सीबीसी करना है कि नहीं करना है। चेस करते हुए दोस्तों केएल राहुल भी बढ़िया होते हैं क्योंकि इनका फर्स्ट इनिंग में 35 का औसत होता है और चेस करते दोस्तों 41 का होता है। बल्ला इनका चेस करते हुए काफी बढ़िया चलता है केएल राहुल का। तो चेस करते दोस्तों अगर हम बात करें केएल राहुल ही ऐसा खिलाड़ी होगा जो कि फिर दोस्तों हम सीबीसी करना चाहेंगे। अदरवाइज दोस्तों कहीं ना कहीं अगर हम क्विंटन डीकॉक को सीबीसी करेंगे तो वो भी दोस्तों फर्स्ट बैट करते हुए ही करने वाले हैं। देवदत्त पाटिल की बात करते हैं लगातार दोस्तों फ्लॉप है। हालांकि अगर हम बात करें टीम सिलेक्शन की तो देखिए गुजरात टाइटंस के केस में 5 मैचेस 68 रन 28 का स्कोर है। और दोस्तों टीम सिलेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो मैं कहूंगा यार बिल्कुल फिर से आप ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हैं। हालांकि अगर आप 3 से 4 मेंबर वाली टीम में रखकर जाएंगे कुछ यूनिक दोस्तों ये कर सकता है क्योंकि वहां पर अगर 20-25 रन भी बनाएगा तो आपके सामने वाला बंदा बिल्कुल भी नहीं लेकर के आने वाला। दोस्तों फर्स्ट टीम अगर हम बात करते हैं 26 के औसत से बैटिंग करते हैं, सेकंड दोस्तों 26 एंड यहाँ पे वेन्यू पे भी एक मैच में दोस्तों 9 रन की पारी है ये वाली। बाकी स्टोनिस की बात करते हैं, लास्ट मैच में आपने देखा बॉलिंग और एक विकेट भी मिली, 24 रन भी बनाए और उसके यहाँ पे 19 और यहाँ पे 3 89 गए, इस हिसाब से ये बैटिंग करता है। बाकी गुजरात टाइटंस के केस में 3 मैच में ओनली 6 ही रन है और दोस्तों 2 विकेट हैं, ठीक है तो बॉलिंग करा सकता है। बाकी और वेन्यू पे 8 मैच में 164 रन है और फिलहाल दोस्तों हाइस 89 की पारी है। और टीम सिलेक्शन की अगर हम बात करते हैं मार्कस स्टोनिस की तो गई थोड़ा सा मैं नाउम्मीद रहूँगा, मतलब कि मार्कस स्टोनिस को फिलहाल टीम में रखना है बट ज़्यादा उम्मीदें करनी ठीक नहीं होंगी क्योंकि दोस्तों लास्ट मैच में इसने बॉलिंग कराई, उससे पहले दोस्तों इसने बॉलिंग नहीं कराई। निकोलस पुरन भाई बिल्कुल आंख बंद करके आपको रखना है, इस खिलाड़ी को सीबीसी भी करके चलेगा क्योंकि अगेन भी दोस्तों बढ़िया एवरेज है और साथ साथ दोस्तों अगर हम बात करें वेन्यू पे भी ठीक ठाक बैटिंग करता है। हालांकि अगेन सॉरी 4 मैच में 41 ही रन है बट ये मैं सीबीसी करना चाहूंगा क्योंकि अच्छी फॉर्म चल रही 40 42 64 32 अगर दोस्तों ये कम से कम 5 से 6 ओवर खेल गए तो आपको 50 से 60 रन ये बना करके देने वाला है। आयुष बिधोनी की बात करते हैं आउट ऑफ फॉर्म है गाइस, ज्यादा रिस्क नहीं लेंगे, ड्रॉप कर सकते हैं। कुणाल पंड्या बॉलिंग बैटिंग दोनों करते हैं एंड खासकर अगर हम बात करें वेन्यू पे 8 मैच में 196 रन है और 6 विकेटें भी हैं, लेकिन 4 मैच में दोस्तों जो है सिर्फ और सिर्फ 3 विकेटें 49 रन है। टीम सिलेक्शन की बात करेंगे, सिलेक्शन थोड़ा सा हाई होगा, हालांकि रख सकते हैं क्योंकि ओवर भी कराता होगा इस बैटिंग भी कर लेता है। बाकी रवि बिश्नोई की बात करेंगे तो आउट ऑफ फॉर्म खिलाड़ी है, वेन्यू पे 10 में 9 और अगेन दोस्तों गुजरात टाइटंस के 3 में 0 और उसके यहाँ पे यश ठाकुर उतना खास परफॉर्मेंस है नहीं और मयंक यादव दोस्तों लगातार दोनों ही मैचेस में 3-3 विकेटें हैं और वेन्यू पे अगर हम बात करें तो बढ़िया परफॉर्मेंस है। टीम सिलेक्शन बिल्कुल मेरे भाई करके आपको चलना होगा और इस खिलाड़ी को सीबीसी भी आप करके चल सकते हैं दोस्तों, ठीक है। बाकी अगर हम बात करें यहाँ पे नवीन लख, यहाँ पे 2 विकेटें फिर 0-0-1 और अगेन दोस्तों 1 मैच में 1 विकेट है, वेन्यू पे 5 में 4 विकेटें हैं। टीम सिलेक्शन अगर हम बात करेंगे तो जब भी फर्स्ट बॉल कराएगी टीम तब आप रख लीजिएगा बिल्कुल, कहीं ना आपके लिए क्लीनशिप करवाने वाला खिलाड़ी बन जाएगा। एंड अगर हम बात करें यहाँ पे दोस्तों एम सिद्धार्थ जो कि भाई सब्स्टिट्यूट के अकॉर्डिंग खेले थे, 1 विकेट मिल गई थी, अलग ही टीम सिलेक्शन की बात करेंगे तो भाई नया बॉलर्स अगर आप रखना भी चाहें तो स्मॉल लीग में ही रखें, ज़्यादा उम्मीदें करना ठीक नहीं होगा दोस्तों। बेंच यहाँ पे मोहसिन खान अच्छा खासा दोस्तों खिलाड़ी है, बॉलर से बढ़िया, दीपक हुडा कुछ खास करके नहीं है, अगर खेलते हैं तो कहीं ना कहीं चांस होंगे एंड यहाँ पे अमित मिश्रा, ठीक है उतना खास रोल है नहीं, चांसेस भी इनके कम रहने वाले हैं। बाकी बात करते हैं गुजरात टाइटंस की तरफ से सुमन गिल और वृद्धिमान साय दोस्तों दोनों ओपनिंग करते हैं, फिर आपको मिलते हैं साई सुदर्शन। हालांकि दोस्तों तीनों ही बढ़िया पिक होंगे क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ठीक ठाक रन बना कर देते हैं, एवरेज रन तो मान के चल ही सकते हैं। केन विलियमसन ये भी ठीक ठाक रन बनाते हैं, कहीं ना कहीं टॉप 4 इस टीम के खिलाड़ी बेस्ट हो सकते हैं। विजय शंकर जब ये टॉप 4 रखेंगे तो ड्रॉप कर सकते हैं, उमर जई बॉलिंग कराते हैं। राहुल तिवारी अगर हम बात करें तो थोड़ी सी नीचे बैटिंग एंड उसके जहाँ पे सिचुएशन के हिसाब से ऊपर भी आ सकते हैं बैटिंग करने। बाकी राशिद खान 4 ओवर कन्फर्म है, उमेश यादव 4 ओवर, नूर अहमद 4 ओवर एंड नल कंडे दोस्तों 4 ओवर, बाकी यहाँ पे अजमतुल्ला उमर जई दोस्तों ओवर कराते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूट एज ए सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी मिलता है वो है मोहित शर्मा दोस्तों, ठीक है। मोहित शर्मा अगर खेलते हैं तो फिर यहाँ पे स्पेल बढ़ जाते हैं, ठीक है, किसी ने बॉलर्स के जैसे कि उमर जई के ओवर करते फिर मोहित शर्मा अपने परफॉर्मेंस दिखाते हैं दोस्तों। स्टार्टिंग में उमर जई, उमेश यादव, राशिद खान, डेथ में आपको मिल जाएंगे दर्शन, नलकंडे, मोहित शर्मा और उमेश यादव दोस्तों, ठीक है। बाकी बात करेंगे यहाँ पे इस टीम से हमें अपने फैंटेसी टीम में कितने खिलाड़ी रखने, सुमन गिल अगर हम बात करें राइट हैंड बैट्समैन है, 89 लास्ट मैच उसके 36 और यहाँ पे 8 31 गए, ठीक है। अपने होम ग्राउंड पे अच्छी खासी बैटिंग करते हैं, अगर हम बात करें वेन्यू पे तो फिलहाल मैच इन्होंने नहीं खेला है लेकिन 4 मैच 157 रन है, 94 का हाई स्कोर है और 39 के औसत से दोस्तों इन्होंने रन बनाए, 2 और 2 शतक भी लगाए हैं इन्होंने लखनऊ सुपर जायंट्स के केस में। टीम सिलेक्शन की अगर हम बात करते हैं बिल्कुल आप अपने टीम में पिक करके चल सकते हैं। वृद्धिमान साय रखना है बिल्कुल आप रख लीजिएगा क्योंकि विकेट कीपिंग सेकंड से आपको मिलते हैं और आप देख रहे होंगे 11 25 21 हिसाब से रन भी बना रहे हैं। हालांकि थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं इस खिलाड़ी को ड्रॉप करने का क्योंकि दोस्तों लगातार आपको 4 विकेट कीपिंग से प्लेयर मिल रहे हैं, केएल राहुल और फिलहाल निकोलस पुरन, क्विंटन डीकॉक, वृद्धिमान साय, तो वृद्धिमान साय को थोड़ा सा आप खिसका सकते हैं अपने फैंटेसी टीम से। साई सुदर्शन रखना है आपको टीम में अपने, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें केन विलियमसन तो कहीं ना कहीं लास्ट मैच आपने देखा 26 रन की पारी है, कहीं ना कहीं एक ऐसा खिलाड़ी है जो कि दोस्तों थोड़ा थोड़ा बैटिंग करके आपको ये जो फिलहाल स्कोर जरूर दे देगा। तो टीम में आपको इन दोनों खिलाड़ी को रख करके चलना ही होगा। विजय शंकर जो कि बॉलिंग नहीं करा रहे बैटिंग ही कर रहे हैं तो उतनी उम्मीद करनी
ठीक नहीं होगी ड्रॉप कर दीजिएगा। ओमर जय बॉलिंग कराते हैं और बैटिंग भी करते हैं तो कहीं ना कहीं ये खिलाड़ी आपकी टीम में हो सकता है, और खासकर दोस्तों ग्रांट डिक क्योंकि बॉलिंग करा देता और बैटिंग के चांस भी बन सकते हैं। राहुल तिवतिया लास्ट मैच आपने देखा ये थोड़ा सा ऊपर बैटिंग करके गए और 23 रन की पारी, हालांकि उम्मीद कम होगी राशिद खान क्योंकि ये रिस्की होंगे, कोई चांस नहीं होगा इसकी बैटिंग मिले ना मिले। ठीक है, राशिद खान की बात करते हैं, लगातार विकेट है और अगेन दोस्तों 4 में 8 विकेट है, वेन्यू पे 1 में 1 विकेट है, बिल्कुल टीम में आप पिक कर लीजिएगा राशिद खान को। उमेश यादव की बात करते हैं, रिसेंट फॉर्म 1 और 1-0 और परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो होम ग्राउंड पे इन्होंने विकेट निकाली है, बाकी अगर हम बात करें उतना खास रोल इनका दोस्तों है नहीं। ठीक है, और अगर फर्स्ट बॉल करती है यहाँ पे गुजरात तो मान लीजिए विकेट इनको मिल सकती है, 1-2 विकेट यहाँ पे मिल सकती है उमेश यादव को, अदरवाइज सेकंड इनिंग में आप ड्रॉप कर दीजिएगा। नूर अहमद की बात करते हैं, लगातार विकेट है, विकेट टेकर बॉल्स है, अगेन दोस्तों 2 में 3 वेन्यू पे 1 में 2 विकेट हैं, तो बिल्कुल टीम में रखना चाहेंगे खासकर दोस्तों जब सेकंड इनिंग बॉलिंग कराएगी गुजरात टाइटंस। बात करते हैं दर्शन नलकंडे, तो उतना खास रोल है नहीं, मोहित शर्मा बिल्कुल आपको टीम में खिलाड़ी को रखना होगा, अगेन 2 में 6 विकेट है, वेन्यू दोस्तों 1 में 2 विकेट, बिल्कुल आप टीम में इस खिलाड़ी को रख लीजिएगा एज अ सब्स्टिट्यूट ये खेलता है। बाकी बेंच आपको मिलते हैं साई किशोर, फिर स्पेशन जोनसन, अभिनव मनोहर, हालांकि दोस्तों यहाँ पे आपको सारे खिलाड़ी बेस्ट हैं। ठीक है, इस टीम में जो मिल रहे हैं सारे के सारे बेंच खिलाड़ी बेस्ट हैं, यहाँ से कोई भी दोस्तों आता तो फिर मैं अपडेट टेलीग्राम चैनल पर दूंगा, हालांकि टीम में रखने लायक खिलाड़ी रहने वाले हैं। दोस्तों बात करते हैं इस मैच की प्लेयर्स, जो कि क्विंटन डिकॉक, केएल राहुल, निकोलस पुरन, शुभमन गिल, राशिद खान, मोहित शर्मा, साई सुदर्शन, ये सभी के टीम में रहने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप किसी को ड्रॉप करने का रिस्क लेते हैं या तो फिर सीवीसी करने का रिस्क नहीं लेते हैं तो आपके लिए बढ़िया यूनिक टीम बनाने का मौका दे सकते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे इस मैच में सबसे ज्यादा शुभमन गिल और क्विंटन डिकॉक कैप्टन वाइस कैप्टन का कॉम्बिनेशन रहने वाला है। बाकी दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने बताया ये जो कि कॉम्बिनेशन कैप्टन वाइस कैप्टन का सबसे ज्यादा है, बाकी यहाँ पे आप रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, मैंने आपको बताया जो कि दोस्तों कि निकोलस पुरन एक ऐसा खिलाड़ी है जिसका कोई कॉम्बिनेशन नहीं करके जाएगा, बाकी सभी मैचेस में उसने रन बनाए, कंसिस्टेंट बैटिंग करके आ रहा है, अच्छा परफॉर्मेंस करके आ रहा है। साई सुदर्शन थोड़ा सा नीचे बैटिंग है दोस्तों, बढ़िया बैटिंग कर रहे हैं, साई सुदर्शन और निकोलस पुरन सेफ ऑप्शन होंगे सीवीसी के लिए। ट्रंप प्लेयर यहाँ पे दोस्तों आपको जो मिल रहा है, ठीक है, नवीन उल हक और नूर अहमद, जो कि बहुत कम सिलेक्शन होगा, हालांकि आप ट्राई कर सकते हैं। एंड क्विंटन डिकॉक की बात करते हैं, जो कि पिलर बैटल, जो कि इनको राशिद खान ने आउट किया है 69 गेंदों में 3 बार, कार्तिक त्यागी दोस्तों 1 बार आउट कर चुके हैं, स्पेशन जोशन भी 1 बार आउट कर चुके हैं। पैटिकल की बात करते हैं, राशिद खान 3 बार आउट किया, नूर अहमद ने 1 बार एंड उमेश यादव ने दोस्तों 1 बार आउट किया हुआ है। बाकी केएल राहुल की बात करते हैं तो इनको मोहित शर्मा ने 2 बार आउट किया है 17 गेंदों में, तो ये थोड़ा सा मैंने बताया था, ध्यान रखिएगा गुजरात के पास अटैकिंग बॉलिंग भी दोस्तों तो कहीं ना कहीं दिक्कत में डाल सकती है, और खास करके क्विंटन डिकॉक, केएल राहुल जैसे बड़े खिलाड़ियों को। एंड यहाँ पे दोस्तों अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे संदीप वारे खेल रहे, 1 बार आउट किया हुआ है, और यहाँ पे जयंत यादव दोस्तों 1 बार आउट कर चुके हैं एंड सॉरी उमेश यादव। बाकी बात करते हैं निकोलस पुरन की, तो नूर अहमद ने इनको जो है 6 गेंदों में 2 बार आउट किया है, ठीक है, निकोलस पुरन को जो कि नूर अहमद। एंड यहाँ पे जोशन ने 1 बार आउट किया हुआ है, कार्तिक त्यागी ने दोस्तों 1 बार आउट किया हुआ है। बाकी गुजरात टाइटंस की तरफ से बात करते हैं, जो टॉप आपको खिलाड़ी मिले जैसे कि यहाँ पे शुभमन गिल को अमित मिश्रा ने 1 बार आउट किया, जो खेलने कुणाल पंड्या ने 1 बार आउट किया है 52 गेंदों में, और उसके बाद यहाँ पे मोहसिन खान जो कि खेल रहे हैं इन्होंने आउट नहीं किया वर्धिमान साह को, और जो कि मोहसिन खान ने 1 बार आउट किया, कुणाल पंड्या ने दोस्तों 1 बार आउट किया, केन विलियमसन को कुणाल पंड्या ने 1 बार आउट किया, स्टोनिस ने भी दोस्तों 1 बार आउट किया हुआ है। दोस्तों विजय शंकर को यहाँ पे कुणाल पंड्या ने भी 1 बार आउट किया है, नवीन लहक ने भी 1 बार आउट किया हुआ है। अगेन दोस्तों हमारी टीम पर जो फिलहाल प्री रहने वाला, तो गाइस आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं अभी के लिए फिलहाल हमारी जो फैंटेसी टीम रहने वाली है कुछ इस हिसाब से, गाइस कैप्टन हमने शुभमन गिल को किया है, हालांकि वाइस कैप्टन हम यहाँ पे निकोलस पुरन को किया है। ठीक है, थोड़ा सा रोटेशन बनता है क्योंकि बहुत सारे लोगों का कॉम्बिनेशन ये वाला रहने वाला है। ओके गाइस, एंड ये टीम अगर लखनऊ पहले बैटिंग करती गई तो मैं ये वाले कॉम्बिनेशन के साथ चल सकता हूँ, अगर चेज करती गई तो फिर मैं निकोलस पुरन को कैप्टन वाइस कैप्टन करना नहीं चाहूंगा दोस्तों। ठीक है, बाकी यहाँ पे साई सुदर्शन, केन विलियमसन विकेट कीपर से हमने 4 को रखा है, अगर आप यहाँ पे वृद्धिमान साह को ड्रॉप करने का रिस्क लेते हैं तो आपके पास दोस्तों यहाँ पे राशिद खान का ऑप्शन रहने वाला है। बाकी मैं कह रहा हूँ मोहित शर्मा ये हमारी टीम में मौजूद रहेंगे, और उमर जय को दोस्तों हमने एडवांस के तौर पे रखा है क्योंकि बॉलिंग और बैटिंग दोनों ही कर जाता है। हालांकि आप यहाँ पे ड्रॉप भी इसको कर सकते हैं, आपके पास जो ऑप्शन होगा राशिद खान का ऑप्शन होगा इस। बाकी यहाँ पे जो बॉलिंग सेक्शन में आपको खिलाड़ी मिले जैसे कि नूर अहमद मैंने बताया, ठीक है, ट्रम्प कार्ड बन सकता है, तो उन जैसे खिलाड़ियों को आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। बाकी गाइस अपडेट जो होगा वो आफ्टर टॉस टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलेगा, तो आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि लगातार अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए दोस्तों मिलेंगे नई वीडियो में, जय हिंद जय भारत।